जो आज हम आप लोगों को छात्रों में सामाजिक विज्ञान में पिछले वीडियो में मैंने जो पढ़ाया था इसमें भारत के धरातलीय संरचना के बारे में समझाया था, तो उसी के संबंध में उसमें जो है भारत का जो पर्वतीय भाग है, उत्तर में जो है पर्वतीय भाग है, उसके बारे में समझाएंगे। आइए देखते हैं इसमें जो भारत की धरातलीय संरचना है, भारत की धरातलीय संरचना में जो है पांच पॉइंट है, जिसमें उत्तर का पर्वतीय भाग नंबर दो है, मध्य गंगा सतलज का मैदान, नंबर तीसरा है प्रायद्वीपीय पठारी भाग, नंबर चार है थार का मरुस्थल और नंबर पांचवा है समुद्र तटीय मैदान। तो ये पांचों तरीके से जो हमारे देश में जो है भूमि पाई जाती है, हमारे देश में जो है पांच प्रकार का धरातल पाया जाता है। आज के मैं मानचित्र के माध्यम से देखते हैं, इसमें जो है नंबर एक में जो है पर्वतीय भाग जो है ये वाला है, ये जो है इस प्रकार से फैला हुआ है और विशाल मैदान जो है इस प्रकार से है और थार का मरुस्थल इस प्रकार से फैला हुआ है और ये वाला भाग है पठारी है, जिसमें नंबर एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार और नंबर पांच। अब इसमें बात आती है, हम आप इस पे चर्चा करेंगे उत्तर के पर्वतीय भाग पर। उत्तर का पर्वतीय भाग जो है हमारे देश के उत्तर दिशा में एक दीवार की भाग जम्मू कश्मीर से लेकर के यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश असम नागालैंड मिजोरम आदि क्षेत्रों में जो है फैला हुआ है। यहाँ से लेकर के ये टोटल यहाँ से ये पूरा हिमालय पर्वत एक दीवार की भाग खड़ा हुआ है उत्तर दिशा में। इसके जो है कई भाग है, जिसमें देख लीजिए हिमालय के जो भाग है इसमें है नंबर एक महान हिमालय, नंबर दो है मध्य हिमालय और नंबर तीन है
शिवालिक श्रेणी, और नंबर चार है पार हिमालय। इस प्रकार से चार भागों में बटा हुआ है, जिसमें मध्य हिमालय जो है आपका यहां पर है, ये मध्य हिमालय, ये मध्य हिमालय है आपका, मध्य हिमालय, और इसी के पास में ही ये है महान हिमालय। और पार हिमालय जो सबसे उत्तर दिशा में जो है, यहाँ पर जो है ये बचा हुआ भाग है, ये वाला भाग, ये वाला पार हिमालय के नाम से जानते हैं, पार हिमालय। और शिवालिक श्रेणियां जो है ये यहाँ पर है, शिवालिक श्रेणियां, शिवालिक, शिवालिक श्रेणी। इस प्रकार से हमारा जो है हिमालय पर्वत जो है फैला हुआ है, बीच में महान हिमालय है, उसके बाद मध्य हिमालय है, फिर शिवालिक श्रेणी है, उसके पार में उस उत्तर दिशा में जो है चीन और तिब्बत से जो जुड़ा हुआ है क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र है, वो पार हिमालय के नाम से जाना जाता है। ये पार हिमालय, पूरा हिमालय जो है इसकी पूरी, ये टोटल यहाँ से लेकर के और यहाँ तक इसकी जो है लंबाई है, टोटल लंबाई है 2500 किलोमीटर, और इसकी जो है चौड़ाई है, ये वाली चौड़ाई जो है, ये चौड़ाई यह है 160 से 400 किलोमीटर। यहाँ जो है पतला हुआ, पतला क्षेत्र है, ये पतला क्षेत्र है, यहाँ पर 160 है, और ये बीच वाला जो चौड़ा भाग है यहाँ पर 400 किलोमीटर के आसपास की चौड़ाई है। अब इसके बाद में अगले वीडियो में आप लोगों को इसके लाभ के बारे में समझाएंगे। धन्यवाद।